उत्तर प्रदेश की वीवीआईपी सीट लखनऊ। वैसे तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है और इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। फिलहाल यहां से बीजेपी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूदा सांसद हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में यहां पश्चिमी और मध्य सीटों पर लोगों के सियासी रुख में बदलाव देखने को मिला है। इस बार बीजेपी ने राजनाथ सिंह को 5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जिताने का लक्ष्य रखा है, पर बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। वैसे कि पिछले कुछ समय में यहां पश्चिमी और मध्य सीटों पर लोगों के सियासी रुख में बदलाव देखने को मिला है, इसलिए दोनों सीटों पर सपा का फिलहाल कब्जा है। लखनऊ पश्चिम विधानसभा सीट की बात करें तो साल 1989 से 2007 तक लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। 3 बार बीजेपी के रामकुमार शुक्ला और 3 बार लालजी टंडन इस सीट से विधायक रहे, लेकिन 2012 में समीकरण बदले और सपा ने सीट पर कब्जा कर लिया। 2017 में बीजेपी ने वापसी फिर कर ली, लेकिन 2022 में फिर सपा ने कब्जा कर लिया। लखनऊ पश्चिम सीट पर सियासी परिवर्तन के पीछे साल 2012 के परिसीमन बड़ी वजह है। इस तरह लखनऊ सेंट्रल सीट पर भी बीजेपी के वर्चस्व में सपा सेंध लगाती दिखी। लखनऊ सेंट्रल सीट की बात करें तो इस सीट पर भी साल 1989 से 2007 तक बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन परिसीमन के बाद यहां भी 2012 में सपा के रविदास मेहरोत्रा विधायक बने। फिर 2017 में बीजेपी ने सीट पर वापसी की, लेकिन 2022 में फिर सपा सीट हथियाने में कामयाब रही। मतलब ये है कि परिसीमन के बाद लखनऊ की पश्चिमी और मध्य सीट पर समीकरण बदल गए। ऐसे में इन दोनों विधानसभा सीट की वजह से बीजेपी की राह आसान नहीं होगी, और अगर बीजेपी अपने गढ़ लखनऊ में जीतती भी है तो बीजेपी ने जो 5 लाख के अंतर से जीतने का लक्ष्य रखा है उसे पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।